दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम, केवल महाराज दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच मध्य बिंदु रात्रि पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन तीन वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे, ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के, तीन तीन अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए, तीन दीप ठीक है, एक फूल बत्ती का, दो लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और दो दिए लंबी बत्ती घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमल गट्टा, कमल गट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमल गट्टा, भारत दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख, दूसरा दिया जला हुआ उठाई, उसकी पत्ती अपनी ओर, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती भी पेड़ की साइड कर कर रख, तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करें, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुंह उधर का होना चाहिए, बोलते स्मरण का, जब नीचे रखोगे तब दिए का मुंह अपनी ओर होना चाहिए, ढोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम कर नमन कर, और ढोली को वापस अपनी ओर गिरा ली, घर चले जाओ, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर दो, एक रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां एक रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए, जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, इतना भी कर्जा होगा माता लक्ष्मी गणेश और सरस्वती भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ये सब व्यापार खींचेंगे, इतना कर्जा क्यों क्या होगा ही नहीं।